इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और मेडिसिंस दवाइयां, इसके बारे में मैं आपसे आज बातचीत करने वाला हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं, महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूं। इरिटेबल बाउल से लोग काफी परेशान है, बहुत ज्यादा परेशानी लोगों को, इतना कि पूरे देश में, अभी मुझे मालूम पड़ा पूरे हमारे देश में इरिटेबल बाउल सिंड्रोम वालों का व्हाट्सएप ग्रुप है, अनेक अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप है जिसके ऊपर वो चर्चा करते रहते हैं और एक दूसरे को सजेशन देते रहते हैं। और एक व्यक्ति अभी करीब करीब 55 साल का, उसने वो जो ग्रुप है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, वो ग्रुप में मेरे नाम की भी चर्चा हुई कि भाई इनके यहाँ बहुत अच्छा इलाज होता है तो आप इनके पास में जाओ, तो उसने वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप जो है उनका, वहाँ से मेरा नंबर लिया और वहाँ से उसने मुझे कॉन्टैक्ट किया। बताया कि मुझे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, मतलब बोलो तकलीफ क्या हो रही है। बोले तकलीफ में रूटीन जो है कि भाई कभी कभी बहुत जलन होना, सीने में बहुत जलन होना, पेट फूल जाना, अन्न जो है मतलब खाना खाते जो है वो पचन नहीं होता है तो पेट बहुत फूल जाता है, ढकारे आती है, पेट फूलने के बाद में फिर बहुत ही अनइजी लगता है, फिर लैट्रिन जो है शौच तो वो कभी कभी 3-4 बार जाना पड़ता है, पतला हो जाता है तो कभी कभी होता ही नहीं, मुंह को ऐसा कभी कभी कड़वापन आ जाता है और खाने की कभी इच्छा होती कभी इच्छा होती नहीं। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी है कि बैंगन है टमाटर है वो खाए तो बहुत ही एलर्जी हो जाती है और वो खा ही सकता नहीं, और लैट्रिन में कभी एक आधी बार ज़्यादा कड़क होगी तो खून जाता है, लैट्रिन कभी 2-2 दिन होती नहीं है और कभी हुई तो फिर 5-6 बार हो जाएंगे एक दिन में। तो ऐसे उसने स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स में बताया कि भाई और कोई भी ऐसी मतलब खाना खाने वाले में इतना पेट फूल जाता है, करीब करीब 2-3 घंटे पेट फूल रहता है और फिर धीरे 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 वो उसकी मतलब डाइजेशन हो जाएगा और नीचे चले जाएंगे। अलग अलग लोगों ने उसको अलग बोला कि भाई, किसने बोला कि 12 घंटे का आप फास्ट करो, उपवास करो और 12 घंटे में जो भी कुछ करना है खाना पीना करना, किसने बताया कि आप 2 ही बार सिर्फ खाओ बाकी बार नहीं खाने का है, किसने बताया उसको कि थोड़ा थोड़ा 3-3, 4-4 घंटे के बाद में खाते रहो ताकि आपका पेट फूलेगा नहीं, फिर किसने बोला कि तंबाकू बंद करो चाय बंद करो, इससे फायदा होता है, तंबाकू चाय बंद किया तो पेट का जो प्रॉब्लम है IBS का बहुत ज़्यादा फायदा होता है तो हम वो बंद करने लगाते हैं। वैसे बेसन की चीज़ें जो है वो कम किया, कम खाया, खाए नहीं तो बहुत अच्छा होता है बेसन की चीज़ें, और खट्टी चीज़ें जो है जैसा मट्ठा है, लस्सी है या फिर कोई भी मतलब नींबू शरबत है, खट्टी चीज़ें खाई तो ज़्यादा हो जाता है, एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है। तो बताया प्रॉब्लम उसका यह था कि ये सब उसके जो सिम्टम है वो जो मैंने उसको प्रिस्क्राइब किया गोली, वो गोली से ठीक हो गए। अब उसका फ़ोन बाद मतलब मेरे पास में आया, चर्चा किया, फिर उसका ठीक भी हो गया बाद में जब मेरे पास में आया हो, तो वो कहानी इंटरेस्टिंग है। बोले गोली से तो एकदम अच्छा हो जाता है पूरा का पूरा, दवाई आपने जो दिया उससे तो बिल्कुल ठीक हो गया। महीना 2 महीने के बाद मुझे बोला कि अभी मुझे दवाई छोड़नी, उसका क्या करूँ। मतलब मैंने तो आपको पहले बताया कि भाई आप दवाई के साथ साथ हिप्नो काउंसिलिंग करो, हिप्नोसिस सेल्फ हिप्नोसिस प्लस काउंसिलिंग करो, जो स्ट्रेस दिमाग में आ रहा है और वो दिमाग ने अभी जो पेट चुन लिया है, एक ऑर्गन चुनता है दिमाग, ब्रेन, और ब्रेन का जो स्ट्रेस है वो उसके ऊपर डाल देता है, तो वो दिमाग का स्ट्रेस ही कैसे निकालना उसके बारे में आपको बताते रहता हूँ। तो सबकॉन्शियस माइंड में जो भी आपके स्ट्रेस है, जो भी तान तनाव है, जो भी इनकम्प्लीशन है, वो निकालना जरूरी है क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ने आपका पेट चुन लिया ऑर्गन एक्सप्रेस करने के लिए, तो उसको जब पड़ गया हो तो बोले ठीक है मैं आपके पास में आते रहता हूँ, आऊँगा और आके मैं आपके अपना इलाज करूँगा। तो ये जो है, तो हमने जब उसके सबकॉन्शियस माइंड में उसका जो सोर्स देखा कि भाई ये पेट जो खराब हो रहा है, पेट का जो प्रॉब्लम है इरिटेबल बाउल जो है, इसका प्रॉब्लम सबकॉन्शियस माइंड है, सोर्स है, और वो सोर्स पे काम किया तो इसका प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया। ना दवा लेने की जरूरत, ना फिर बाद में हिप्नोसिस करने की जरूरत, ना कुछ करने की जरूरत। प्रॉब्लम क्या था? सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में उसको बहुत गुस्सा था कुछ लोगों के प्रति, शक था अपने पिताजी के तरफ, पिताजी के बारे में उसके मन में अपराधीपन की भावना थी, उसने बचपन में चोरी की थी, फ्रॉड किया था, घर पे चोरी किया था, पकड़े गया था, फिर एक दो बार पकड़े नहीं गया, फिर बाद में दोस्त के पैसे चुराए थे, दोस्त के घर में जाके पैसे चुराए थे, अभी तो नहीं करता मगर जो किया था उसके बारे में, वो उसके मन में अपराधीपन की भावना थी। उसको उसके अंकल ने मतलब मामा, अंकल ने मामा ने उसको उसके उसके साथ में छेड़खानी किया था, जब वो आमरस खाने के लिए, उनके यहाँ प्रथा थी कि आमरस खाने के लिए बचपन में जाना अपने
इसके पेरेंट्स के तरफ, ग्रैंड पेरेंट्स की तरफ जाना। तो वो उसने जब मामा जब उसके साथ में था तो उसने मामा ने उसके साथ में हरकतें की थी, वो उसके दिमाग में जाकर बैठा था। सब मैंने उससे बात निकाली और कंप्लीट करने लगाया, उसका प्रॉब्लम ही ठीक हो गया, ना गोली लेने की जरूरत ना और कुछ करने की जरूरत। तो देखना ये है कि हमको जो भी इरिटेबल बॉयल सिंड्रोम के जो प्रॉब्लम है IBS, उसका सोर्स कहाँ है, और उस सोर्स पे एक्शन करनी पड़ती है, उसको ट्रीटमेंट देनी पड़ती है सोर्स के ऊपर, और वो हम ट्रीटमेंट देते हैं तो प्रॉब्लम ही निकल जाता है। अक्सर डिप्रेशन से भी IBS होता है, डिप्रेशन रहा तो डिप्रेशन का भी ठीक करना पड़ता है, और डिप्रेशन क्यों हुआ वो भी देखना पड़ता है। तो उसको मैंने कंप्लीट करने लगाया, खुद को माफ करने लगाया, खुद के ऊपर प्यार करने के लिए उसको बताया, और जो भी उसके साथ में लोगों ने किया, मामा ने किया, उनको भी माफ़ करने के लिए उसको मैंने बोला। और वो जब एक्सरसाइज उसने किया उसको उसमें बहुत ही फायदा हो गया। तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो है मतलब पेट के विकार, तो पेट के विकार का इलाज हो सकता है प्योरली IBS, मतलब पेट के विकार जो है वो प्योरली साइकोलॉजिकल डिसीज है, इलनेस है। सभी तरह की जांच करने के बाद में उसमें कुछ निकलता नहीं है, हजारों लाखों रुपए रोज लोग मतलब उसके ऊपर खर्चा करते हैं और उसका इलाज होता ही नहीं है, क्योंकि कोई भी डॉक्टर ये बोलता नहीं है कि आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है आप उसका इलाज साइकोथेरेपी से करो, आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है आप उसका इलाज साइकेटिस्ट के तरफ से करो, ऐसा कोई बोलता ही नहीं है। और किसने समझो बोल दिया, लोग क्या बोलते, मैं क्या पागल हो गया, मुझे तो कोई स्ट्रेस नहीं है, और ऐसा बोल के लोग साइकेटिस्ट के पास में जाते नहीं है। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, स्पेशली जिनको जिनको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, पेट के विकार है, उनको सारे लोगों को शेयर करो ताकि वो अपने बीमारी का इलाज कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।